आप तो अब रिटायर हो गए हैं ना कि स्टिल यू आर फंक्शनिंग? जी हाँ, नहीं, अब रिटायर हो गया बॉस, रिटायर हो गया बॉस। अच्छा, तो अभी कहाँ सेटल कहाँ हुए हैं आप? मैं सेटल भोपाल में ही हूँ, यहीं पे भोपाल में अच्छा रहता हूँ। अरविंद जी, अभी आप हमारे जो है ना सीएफबी के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई एंड टू एंड सॉल्यूशन लेके आने वाला ही सॉल्यूशन जो है ना दे सकता है। तो अभी आप जो हम आपको फीड भेज रहे हैं, आर यू इन पोजिशन टू सी दैट? और कुछ देख पा रहे हैं जी, क्या? मैं है देख रहा हूँ, बिल्कुल देख बिल्कुल रहा है आप? बिल्कुल, मैं देख तो रहा हूँ, हाउ बिल्कुल। मच इम्प्रेस्ड आर यू फील कि देयर इज सम नीड ऑफ मिड कोर्स करेक्शन और सम रिफाइनमेंट? नहीं सर, आपके इनिशिएटिव बहुत अच्छे हैं। मैं आपके सभी जितने भी आप पोस्ट डालते हैं या जितने भी चिट लिखते हैं, मैं जरूर पढ़ता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसा मतलब इतने पढ़े लिखे व्यक्ति इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि आज की देश मतलब आप कंडीशंस जो है आप देख ही रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, तो एक्चुअली इसमें मैं जो आपके मैं इनिशिएटिव जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो मैं देख पा रहा हूँ, आई कैन जी प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू 100% पॉपुलेशन, 100% पॉपुलेशन। लोग कम पड़ जाएंगे, हमें बिल्कुल नेबरिंग कंट्री से, बांग्लादेश बिल्कुल वगैरह से लोगों को बुलाना पड़ेगा अपना काम करने के जी लिए। जी 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 मैंने तो आपको देखा था कोरोना के समय में, आपने वो दिया था कि नींबू और वो सब मतलब जो अपन कर सकते हैं, मैं ये आपको जरूरी ये था कि बताऊं, आपने वो अभी किया। भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि हाँ, और उसको उन लोगों ने मतलब कोई वो अपन आपने इतनी बार उनको लिखा भेजा उनके पास, वो लोग कोई उस पर वो नहीं करना चाहते थे, बताओ एक्चुअली मैं इसमें एक बड़ी मुझे। कंस्पिरेसी है, एंड बेसिकली इवन वैक्सीनेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट बिगर कंस्पिरेसी। अभी जी आप ये सर, बताइए कि अपन ने बड़ी बड़ी होर्डिंग तो अपनी लगा दी है कि सर विश्व में सबसे बड़ा देश जो है फ्री वैक्सीनेशन करने वाला, बट डू यू नो वट एट वाट कॉस्ट? इट इज कॉस्टिंग 17 लाख करोड़ रुपीज पर वैक्सीनेशन। दैट इज द कॉस्ट टू द नेशन। एंड यदि ये नींबू, सिन्हा साहब, आप बहुत, आपको ताज्जुब होगा कि एक, एक्चुअली मैं इन सब चीजों को देख के मुझसे बड़े अजीब अजीब लोग जुड़ रहे हैं, राइट? तो एक साइंटिस्ट जुड़ा, ही इज बेसिकली नॉट, ही इज पीएचडी डॉक्टरेट इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, जी, मिस्टर शुक्ला, राइट? अच्छा, एंड उस बंदे ने मुझे जी बहुत माइंड बॉगलिंग बात बताई। उसने कहा कि सर, मैं जब टेक्सटाइल डिजाइन कर रहा था और उसमें हैजा वैजा फैला हुआ था, तो बिल्कुल मैं हैजा के लिए एंटी हैजा क्लॉथ डिजाइन कर रहा था, राइट? और उस समय जो है वो जर्मन रिसर्च वगैरह पेपर्स उसने बहुत स्टडी किया, और इसे जर्मन के पेपर्स में नींबू के बारे में डिटेल मिला कि इट कैन बी एंटी हैजा, राइट? और उसने उसके क्लॉथ भी बनाया, राइट? लेकिन उसमें उसको जो जी प्रॉब्लम आ रही थी कि द लाइफ ऑफ द नींबू जो है ना, जो उसमें वो डाल पा रहा था, वो इट वॉज इफेक्टिव फॉर 6-7 डेज ओनली, राइट? तो वो उसके कारण जो है, देन ही कुड नॉट मेक एनी कॉमर्शियल लॉन्च ऑफ दैट टेक्सटाइल, राइट? बट उसने जो दूसरी बात मुझे बताई, वो स्टिल आई नीड टू वेरीफाई, मैंने एक दो लोगों को कहा है, मुझे लग रहा है कि आई शुड बी लिटिल मोर एग्रेसिव ऑन दैट बिकॉज इट विल बी सॉल्विंग ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। उसने बताया कि साहब, जो मैं जिस पर रिसर्च कर रहा था वो 94 की बात कह रहा था, कह रहा सर हम वो पेपर खोज के आपको देने की कोशिश करता हूँ। उसमें जर्मन रिसर्च पेपर का कहना था कि लेमन का जूस जो है वो ना केवल हैजा बल्कि बेसिलस बैक्टीरिया को भी मारने की क्षमता रखता है। कौन और से बैक्टीरिया बेसिलस को? है? अच्छा, कौन से बेसिलस बैक्टीरिया को? बेसिलस बेसिलस बी ए सी अच्छा, आई समथिंग, जिससे आपकी जी लेप्रोसी एंड टीबी है, दो, देयर आर टू वेरिएंट ऑफ द बेसिलस बैक्टीरिया, एंड वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेप्रोसी एंड अनोदर वेरियंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरक्लोसिस। बेसिकली इसको कहते हैं एसिड फास्ट वेसिलस, इसका पूरा नाम है। तो इसका फुल नेम इज एसिड फास्ट वेसिलस एंड इट इज ए काइंड ऑफ बैक्टीरिया। अब यदि अपन ये माने, ये भी जो है ना रेस्पायरेटरी रिलेटेड थिंग्स है, मतलब इनका जो एंट्री होती है वो रेस्पायरेटरी से होती है, ठीक है ना? और इनका इनक्यूबेशन जो है, इट हैपन्स इन अपर रेस्पायरेटरी एरिया, राइट? तो ये लेमन की दो ड्रॉप जो है,
माइट बी हेल्पफुल फॉर इसको हम एक तो आरटीपीसीआर लेवल पे इसकी रिसर्च कराने के मूड में है सो दैट वी कैन सी एट द बैक्टीरिया लेवल दैट हाउ एग्जैक्टली इट इज किलिंग इफ एट ऑल इट इज किलिंग राइट एंड वेदर इट इज किलिंग इन वन डोज और इट इज रिक्वायरिंग मल्टीपल एप्लीकेशन राइट जैसे अज्यूम करिए कि बैक्टीरिया को डाला और उसने जो है ना एक में दुबला हो गया और हमने तीन दिन तक लगातार उसको लिया तो हाउ एग्जैक्टली इट विल बी एक्टिंग राइट सो एक तो जो है ना वी इंटेंड टू डू इट एट ए एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी लेवल टाइप इसमें जो है ना विदाउट इन्वॉल्विंग ह्यूमन बींग राइट देन वी कैन डू ए प्रॉपर रिसर्च ऑन द पर्सन दोज हू आर सफरिंग फ्रॉम इट एंड वी कैन पुट इट इन टू द टू ग्रुप राइट वन ग्रुप जिसमें नींबू का रस नहीं डालेंगे जिसको दूसरे को डालेंगे राइट एंड देन वी कैन से सी दैट के वेदर द रिकवरी स्पीड अप राइट क्योंकि अभी हम जो यूज करते हैं इसके लिए मल्टी ड्रग थेरेपी का यूज करते हैं दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी लेकिन ये है कि वी हैव टू इन्वाइट लेसर इविल राइट तो चूंकि मल्टी ड्रग लेके छह आठ महीने में नौ महीने में हम कम से कम जो ना रीति ढंग से पूरा इलाज लिए तो हम इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं राइट अब अज्यूम करिए कि पहले अपन जो है लेट इट कंटिन्यू विद द मल्टी ड्रग थेरापी उसके साथ में पैरेलल में अपन लेमन का एप्लीकेशन करें ठीक है ना एंड वी कैन डू द एप्लीकेशन थ्रू नॉस्ट्रल एंड वी कैन डू इट थ्रू द स्टीम वेपर आल्सो राइट सो दैट लंग्स एरिया के अंदर यदि कुछ रीजन या लीजन कुछ बन गए हैं तो उस एरिया में डायरेक्ट लेमन भी पहुंच पाए राइट और देन वी कैन सी दैट हाउ बोथ द केसेस जो टू ग्रुप्स आर बिहेविंग विथ लेमन थेरापी एंड विदाउट लेमन राइट तो एक क्लिनिकल ट्रायल हो जाएगा वो जो है साइंटिफिक ट्रायल हो जाएगा क्योंकि हमें आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचें क्योंकि इनके एक्चुअली में देखा जाए जैसे कैंसर है मैं आई डोंट नो आपने मुझे कैंसर के बारे में कुछ कहते सुना है कि नहीं सुना है लेकिन अच्छा मैं मेरा ये मानना है कि कैंसर इज आवर क्रिएशन देर इज ए नो पॉजिटिव बैक्टीरिया देर इज ए नो पॉजिटिव वायरस फॉर कैंसर एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑटोनोमस डिसीजेज ऑल्सो कोई कैंसर किसी बैक्टीरिया या वायरस से होता है ऐसा आपको मालूम है क्या नहीं सो इसका मतलब है कि इट इज अवर सेल विच इज रिवोल्टिंग अगेंस्ट अवर सेल्फ राइट ये दो तरीके से रिएक्ट कर रही है पहला रिएक्शन है व्हेन इट इज स्टार्टिंग ओवर ग्रोइंग इट मीन्स सेल का जो ओरिजिनल करेक्टर है उसको वो वायलेट कर रही है ठीक है ना सेल इज हैविंग वेरी पावरफुल मेमोरी जिसमें आपका पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है एंड इवन दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जब आपका नया सेल रिप्लेस होता है तो वो पुरानी जितना भी आपका जैसे अज्यूम करिए कि व्हाटएवर द इन्फॉर्मेशन एंड योर एक्सपीरियंसेस आर देयर तो वो दैट गेट इनग्रेन्ड इन योर सेल राइट इसका यदि आप एग्जांपल यदि देखना चाहते हैं कि यदि किसी चूहे के ऊपर इसमें इसका एक्सपेरिमेंटेशन किया गया है कि चूहे को शॉक वगैरह कुछ दिया गया कुछ कुछ ट्रीटमेंट किए गए और उसकी नेक्स्ट जनरेशन पे जब उसको सेम चीज करने की कोशिश किया तो देवर प्री डिफाइंड रिफ्लेक्सेस विच वी आर अवॉइडिंग दैट काइंड ऑफ सिचुएशन राइट इसका मतलब है जो हमने चूहे को एक्सपोजर दिया दैट समवेयर गॉन इनग्रेन इन द सेल एंड जब उसके जो वो सब चीजें उसके बच्चे में भी आई ठीक है ना एंड बच्चा वाज ऑलरेडी हैविंग दैट प्री इन्फॉर्मेशन विद इट एंड इट कुड ट्राई टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम दोज रिस्पॉन्सेस और दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस इसका मतलब है दिस इन्फॉर्मेशन इज पासिंग थ्रू द सेल टू द नेक्स्ट जनरेशन राइट तो जो सेल इतनी पावरफुल हो कि आप कुछ भी खाइए उसको आपके सेल में कन्वर्ट कर देती है वो राइट जो कि आपका जो है जब स्टेम सेल होती है जो कि डिफ्रेंशिएट करती है तो अल्टीमेटली स्टेम सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर ऑर्गन राइट तो वो इट इज सो पावरफुल कि वो किडनी भी बन जाती है वो लीवर भी बन जाती है वो नोज भी बन जाती है वो आईज भी बन जाती है ब्रेन भी बन जाती है राइट तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ वेरी पावरफुल इंटेलिजेंस विच इज सिटिंग इन सेल राइट नाउ दिस पावरफुल इंटेलिजेंस को हम कंफ्यूज कर पा रहे हैं तभी इट इज फॉरगेटिंग इट्स नेचुरल बिहेवियर उसका जो इतना पावरफुल बिहेवियर है उस बिहेवियर को हम
बिकॉज ऑफ द केमिकल ओवरडोज हम उसे कंफ्यूज करने में सफल हो गए, राइट? नाउ द कैंसर इज नथिंग बट द कंफ्यूजन विच वी कुड क्रिएट एंड दैट नाउ द सेल इज रिवोल्टिंग अगेंस्ट अवर सेल्फ बाय इम्प्रॉपर रिस्पॉन्स. मतलब तो वो बेनाइन की जगह मेलाइन हो रही है और मेलाइन होके ओवरग्रो कर रही है एंड फॉरगेटिंग इट्स ओरिजिनल करेक्टर. इसका मतलब है कि उसके ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा हो गया है. वी हैव कमिटेड लॉट ऑफ एट्रोसिटीज इन वेरियस फॉर्मेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजोल्यूशन. एंड सेम थिंग इज ट्रू फॉर द ऑटोनोमस डिसीज ऑल्सो. ऑटोनोमस डिसीज का मतलब है आपका सेल आपके ही सेल को जो है ना पहचान नहीं रहा है और उसको अपना शत्रु मान के उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है. दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस डिसीज, राइट? इन दोनों केसेस को यदि हम बारीकी से ध्यान से देखें तो इट इज ए काइंड ऑफ रिस्पॉन्स और कंफ्यूजन एट द एंड ऑफ ए वेरी इंटेलिजेंट सेल. सो व्हाट आर द कॉजिटिव फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्रिएटिंग दैट कंफ्यूजन इन सो स्मार्ट सो इंटेलिजेंट सेल? तो यदि हम उसे बारीकी से देखें तो ये जो हम केमिकल की ओवरडोजिंग कर रहे हैं जिसको हम एसेंशियली चार कैटेगरी में रखेंगे. पहली कैटेगरी उसकी रहेगी कि जो हम केमिकल और पेस्टिसाइड के थ्रू जो है ना ओवरडोजिंग कर रहे हैं एंड दैट केमिकल इज गेटिंग रूट टू द बॉडी. वो जो है ग्रेन में भी जा रहा है पानी में भी जा रहा है, राइट? और यही कारण है कि राजस्थान के एडज्वाइनिंग एरिया पंजाब के एडज्वाइनिंग एरिया में देयर इज एसिड रेन काइंड ऑफ फिनोमेना व्हिच हैज स्टार्टेड हैपनिंग बिकॉज देयर इज सो मच ओवरडोज ऑफ द केमिकल कि वो जब वाटर इवेपोरेट होके वो एनवायरमेंट में जा रहा है देयर इज एसिड रेन, राइट? नाउ दिस इज वन. एंड सेकेंड इज द हार्मोनल ओवरडोज विच वी आर अवर ग्रीडी पीपल आर गिविंग, राइट? तो चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरियां हो, चाहे मुर्गियां हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, सब जगह हम जो है ना हार्मोन्स की ओवरडोज दे रहे हैं टू ड्रॉ सम बेनिफिट, राइट? नाउ द सेकंड, दिस इज द सेकंड फिनोमेना. थर्ड फिनोमेना है कि जो हमारी बॉडी में डायरेक्टली वी आर गिविंग सो मच मेडिकेशन विच इज इवन नॉट रिक्वायर्ड. That medication is direct जो है ना administration of chemicals inside our body, right? And it is happening through three routes. एक हम जो digestive route से लेते हैं, मुंह से जो ले रहे हैं, दूसरा हम muscles के through spread कर रहे हैं, तीसरा हम intravenous ingestion के through ले रहे हैं, right? Now the fourth is a more important dimension. कि आपको मालूम होगा कि जितना हम दूध consume कर रहे हैं उसका 1/3 दूध ही पैदा हो रहा है, right? जी मतलब जितना दूध हम लोग सब मिला के कंज्यूम कर रहे हैं इन वेरियस फॉर्मेट्स, चाहे वो मिठाई में हो, चाहे दूध पीने में हो या घी में हो, बट वी आर ओनली प्रोड्यूसिंग 1/3 ऑफ दैट क्वांटिटी. तो 2/3 क्वांटिटी कहाँ से आ रही है? इट इज कमिंग फ्रॉम केमिकल ओरिजिन लाइक यूरिया एंड थिंग्स लाइक दैट. ऐसे लोग पाए गए जिनके पास दो भी नहीं है और टैंकरों में दूध बेच रहे हैं. दूध कहां से पैदा हो रहा है? दैट टू इन टैंकर्स. नाउ इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ जो है ना, हमें बिल्कुल करना चाहिए ना कि हम अंधे हैं. जब तक हम अंधे ना हो जाए तब तक हम इन फैक्टर्स को बहुत आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है ना? अब जो है इसके बारे में एक रिसर्च कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति 4 साल लगातार ये केमिकल ओरिजिन का मिल्क पीता है तो 87% ऑफ द पीपल दोज हु विल बी कंज्यूमिंग दैट मिल्क दे विल सफर फ्रॉम कैंसर. तो मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि यदि हम इसमें इंटरवेंशन नहीं कर पाए तो 5 साल के अंदर या 5 साल बाद कह दें हमारी पॉपुलेशन का जो है 66% पीपल विल बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर. यदि 66% लोग जो है ना कैंसर से सफर करेंगे तो इसका मतलब है हर 3 में 2 व्यक्ति कैंसर से सफर करेंगे. और यदि 3 में से 2 व्यक्ति यदि कैंसर से सफर करेंगे तो उसको अटेंड करने के लिए एक तीसरा व्यक्ति की जरूरत होगी. इसका मतलब है लगभग होल पॉपुलेशन विल बी एंगेज्ड विद द कैंसर और रिलेटेड इम्प्लीकेशंस. होल पॉपुलेशन. What about that agriculture production? What about the industrial production? Even who will be supporting our service industry?
क्या ऐसा नहीं होगा? उन्होंने कहा कि आपको सिम बदलना है, वो कह रहा है भाई साहब जो है ना सिम मैं आपको शाम तक पहुंचा दूं, मुझे मेरे मेरे फादर की मुझे कीमोथेरापी कराना है। ऐसा 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 कम्युनिकेशन नहीं होगा क्या फ्यूचर में? ऐसा ही होगा जब जब आपके घर में तीन में दो लोग जो है कैसे तो सफर करेंगे तो उनको अटेंड करके बच्चे ही करेंगे ना, दे विल बी एम्प्लॉयड समवेयर, तो उनकी प्रायोरिटी उस कैंसर से जो है ना लड़ता हुआ उनका माँ बाप होंगे, पत्नी होगी, या उनकी प्रायोरिटी जो है ना इंडस्ट्री होगी? दे विल से वॉल स्ट्रीट यार हमको, और जब सभी लोग इसी तरीके के होंगे तो उनके पास च्वाइस भी नहीं होगी, तो प्रॉब्ली इट विल बी अफेक्टिंग अवर एवरीथिंग एंड इट इज ए इट रिक्वायर्स रियली टोटल एंड टू एंड सॉल्यूशन। इसलिए जो है ना क्राइम फ्री भारत में पहले जो क्राइम के बारे में बात कर रहा था, वी आर टॉकिंग ऑफ द सीएफबी एग्रो मॉड्यूल, वी आर टॉकिंग ऑफ द सीएफबी आयुष मॉड्यूल, जहां हम कह रहे हैं कि हम हर व्यक्ति को स्वस्थ कर देंगे, कैंसर तो दुलोपित हो जाएगा, क्योंकि कैंसर के जैसे ही पॉजिटिव फैक्टर हट जाएंगे कैंसर इज नो मोर देयर, कैंसर इज नॉट बीइंग कॉज बाय एनी डिसीज, इट्स नॉट बीइंग कॉज बाय एनी बैक्टीरिया और वायरस, तो उसकी जो केमिकल कंफ्यूजन जो हम क्रिएट कर रहे हैं अपने बॉडी के सेल को, जहां से जैसे ही हम उसके पॉजिटिव फैक्टर को रिमूव कर देंगे इट विल डिसअपियर इन टाइम टू कम। हो सकता है कि उसी बॉडी की सेल जो कुछ जो मेलाइन हो गई है रिमेनिंग सेल में स्टार्ट बिहेविंग अप्रोप्रिएटली, तो जो पुरान जो खराब सेल हो गई उनको आपने कीमोथेरापी से ठीक कर लिया, जो नई सेल आएंगे दे आर नॉट कंफ्यूज एट ऑल। हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस वे ऑफ थिंकिंग? हाँ, मुझे लगता है कि देखिए आपने इतना सक्सेसफुल इतना सब कंट्रीब्यूट किया है, नाउ योर एनर्जी शुड कम विद अस एंड हम दूसरे से अपेक्षा ना करें, हम इसे करके दिखाएं। क्योंकि देखो हमारे नेता तो बिजी हैं अपनी पॉलिटिक्स में, उन्हें यहाँ की सरकार गिराना है, वहां की सरकार गिराना है, 42% क्रिमिनल्स हो गए हैं, क्रिमिनल्स के जीतने की संभावना तीन गुना ज्यादा होती है, इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी को किसी को भी क्रिमिनल से परहेज नहीं है, तो 2024 के चुनाव में क्रिमिनल्स की संख्या जो है 42% से बढ़ के 50% को तो क्रॉस कर ही जाएगी, तब हम डेमोक्रेसी से निकल के क्रिमिनोक्रेसी में पहुंच जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स बाय द क्रिमिनल्स फॉर द क्रिमिनल्स, कानून बनाने वाले भी वही होंगे, पुलिस भी उन्हीं की होगी, और वो मोटी खाल के भी होते जा रहे हैं, तो फिर आप में कितने जूते पड़ रहे हैं उनको इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एंड दे विल क्रिएट सो मच कंफ्यूजन, सो मच जो है ना रिफ्ट इन द सोसाइटी कि आप जो है वो पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, आपको जो है ना ये रिलीजियस डिवाइड, कास्ट डिवाइड, कम्युनल डिवाइड, ये सब चीजें ही जो है दे विल बी इन पोजिशन टू सक्सेसफुली प्रेसिपिटेट देम एंड दे विल बी कैप्चरिंग पावर, तो आगे चल के तो प्रॉब्ली यू विल नॉट बी हैविंग कंट्रोल ऑन द लीगल डायमेंशन फॉर योर रेस्क्यू। इसलिए मुझे और लगता है कि इट इज अ टू क्रिटिकल टाइम, इट शुड बी डन इमीडिएटली सो दैट वी शुड बी इन पोजिशन टू, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि हमें इन्फोटेनमेंट की डायमेंशन भी लाना पड़ेगी, सो वी आर विद नाउ द सीएफबी इन्फोटेनमेंट वी आर टॉकिंग कि हम ऐसा इन्फॉर्मेशन कम एंटरटेनमेंट डायमेंशन लेके जाए जो प्रेजेंटली जो है ना इंडिया डिवाइडिंग फोर्सेस के कंट्रोल में ना हो, जो डी कंपनी के कंट्रोल में ना हो, जहां पे कि जो है ना पोर्नोग्राफी, डिवाउच करेक्चर, इलिसिट रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप, डे इन एंड डे आउट कंस्पायरेसी, ऑल थिंग्स, तो चाहे वो फिल्म हो चाहे वो सीरियल्स हो, यही सब चीजें परोसी जा रही हैं, एंड आई वेरी स्ट्रांगली फील कि वन इज द इंडिया डिवाइडिंग फोर्सेस एट द वर्क और डी कंपनी इज एट द वर्क, और एक और डायमेंशन जो मुझे लगती है कि जो इसमें क्रिएटिविटी फील्ड में लोग हैं उनका अपना चरित्र बहुत संदिग्ध है, यदि हम बारीकी से उनके पर्सनल लाइफ को देखेंगे तो यू विल फाइंड के साहब उनका जो है ना मैरिज लाइफ ठीक नहीं चल रही होगी, उनके किसी से इलिसिट रिलेशनशिप भी होंगे, किसी से लिविंग रिलेशनशिप भी होंगे, तो आदमी अल्टीमेटली अपनी कहानी ही लिखता है, तो या तो कोई कहानी लिखवा रहा है या वो अपनी कहानी लिख रहे हैं, दैट्स व्हाई आई वेरी स्ट्रांगली फील कि हमें इन्फोटेनमेंट डायमेंशन को भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए,
ऐसे ही जो है ना, देन वी हैव कम आउट विद वेरी रिसेंटली वी आर टॉकिंग ऑफ सीएफबी इको ई कॉमर्स सिस्टम. यदि आप सामने वाले को इटेबल्स दे देंगे, व्हाट अबाउट द अदर अदर रिक्वायरमेंट, उसके घर का रिक्वायरमेंट का क्या होगा, उसके कपड़े का रिक्वायरमेंट क्या होगा, आजकल कितने सारे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और इनका रिक्वायरमेंट बन रहा है, टेलीविजन का, फ्रिज का. सो वेदर समबडी कैन होलिस्टिकली प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशन इंक्लूडिंग. तो इसमें हमने एक बड़ी सफलता पाई है. बेसिकली जब हम इस पर बहुत बारीकी से सोच रहे थे तो मुझे एक चीज समझ में आई, और बल्कि मुझे समझ में नहीं आई, लेट इट बी ए कॉस्मिक डाउनलोड. बेसिकली मुझे कुछ ऐसा एहसास दिलाया गया कि नेचर में कहीं स्केर्सिटी नहीं है. दिस स्केर्सिटी हैज बीन क्रिएटेड बाय वी ह्यूमन बीइंग एंड दैट टू फॉर द वेरी सेल्फिश रीजन. आप ये देखिए कि पानी जो कि अबंडेंस में है, पानी जमीन के अंदर, पानी जमीन के ऊपर पर बहता हुआ पानी, बादलों में पानी, ग्लेशियर पे पानी, और हम और आप भी 70% वाटर बॉटल्स हैं. तो इतना पानी होने के बावजूद भी हम उस पानी को स्केर्सिटी में कन्वर्ट कर पाए और हम उसको वाटर बॉटल में बेच पा रहे हैं, और बाकी लोग तो 20-25 रुपए में खरीद रहे हैं, होटल में तो 150-200 रुपए की बोतल बिक रही है. तो इट इज ए वेरी अलार्मिंग काइंड ऑफ ए सिचुएशन, जहां पे कि हमें एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए. और इसमें जो दो स्केर्सिटी की मैं बात कर रहा था वो है कि द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्केर्सिटी, इट इज द कॉस्ट एंड सेकेंड इज द करेंसी. कॉस्ट इज अवर क्रिएशन एंड करेंसी इज ऑल्सो अवर क्रिएशन. ना सूरज आपसे कोई कॉस्ट लेता है, ना करेंसी मांगता है, ना जो ना पेड़ पौधे फल जो कुछ भी आपके सर्वाइवल के लिए चीजें हैं, एक्सेप्ट दैट वट एवर वी क्रिएटेड, आपसे कोई पैसे नहीं मांगता है. तो इसको ओवरकम करने के लिए वी हैव ब्रॉट आउट दैट सीएफबी बैलेट मॉडल. तो मुझे लगा कि क्या एयरटेल और गूगल अकेले ही बैलेट चला सकते हैं, भाई सीएफबी शुड नॉट हैव इट्स ओन बैलेट टू ओवरकम द करेंसी फिनोमेना. एंड विच अवर टीम इज आई थिंक वुड बी लॉन्चिंग दिस बैलेट विद इन 3 months or so. एंड सेकेंड जो है वी कुड टेक केयर ऑफ कॉस्ट पार्ट ऑल्सो, बिकॉज द कॉस्ट को हमने एक अकाउंटिंग का ऐसा सिस्टम बनाया है कि इसेंशियल चीज पे कॉस्ट जाएगी ही नहीं. कॉस्ट के लिए एक अलग से जो है ना एक अकाउंट क्रिएट कर दिया है, एंड हमने उसको कहा, नाम दिया है कि यदि एक कॉस्ट एंड करेंसी इफ दे आर द पॉइजन फॉर द सोसाइटी और फॉर द नेचर, सो लेट लॉर्ड शिवा शुड हैंडल इट. नीलकंठ अपने पास है ना लॉर्ड शिवा, तो उनको कॉस्ट एलिमेंट उसके थ्रू, उनके उनके गले के थ्रू क्यों हैंडल ना कराया जाए. एंड वी कुड सक्सेसफुली जो है डाउनलोड दैट मॉडल. तो इसमें जो है व्हाट वी आर सेइंग टू द फार्मर्स कि हम आपको 1 minimum सपोर्ट प्राइस को फ्री फ्रॉम कॉस्ट इनकंबरेंस देंगे. व्हाट विल बी द कॉस्ट आपकी जो है ना, एंड इट विल बी एब्सोल्युटली केमिकल फ्री एग्रीकल्चर. तो आपकी कॉस्ट भी वैसे नहीं लगना है, और जो लगेगी उसको उस पर्टिकुलर अकाउंट में नहीं जाएगा. तो देयर विल बी 3 accounts. एक अकाउंट है दैट इज द एसेट पॉइंट्स, राइट, कि आपके पास टोटल एसेट पॉइंट्स कितने हैं, राइट, मतलब आपकी लैंड है, यदि उस पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, यदि उस पर कोई गाय है, कोई पेड़ है, तो दैट विल बी काउंटेड द टोटल वेल्थ पॉइंट और एसेट पॉइंट. एंड सेकेंड इज द 1 MSP अकाउंट. उसको अलग से नाम इसलिए दे दिया क्योंकि इस अकाउंट में कोई कॉस्ट नहीं काउंट की जाएगी. कॉस्ट विल गो इन टू द 3rd account, दैट इज द 1 MSP प्लस अकाउंट. तो जो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट प्रोडक्शन से चीज आएगी वो पूरा जो है 1 MSP विल बी फ्री फ्रॉम एनी कॉस्ट. एंड कंज्यूमर एंड पे वो 2 MSP से 3 MSP के बीच में अवेलेबल होगी, जिसमें 10% डिस्काउंट का भी फंडा रखा गया है. तो कंज्यूमर एंड में उसकी कॉस्ट 1.8 MSP से 2.7 MSP जाएगी, यदि वो सीएफबी बैलेट का यूज करता है तो. एंड इन दैट केस अभी जो है कंज्यूमर एंड पे तो उसको बहुत महंगा पड़ रहा है, 5 गुना 10 गुना. सो इट वुड बी गिविंग ए ग्रेट रिलीफ नॉट ओनली टू द फार्मर्स, बट इट विल बी गिविंग
ए ग्रेट रिलीफ टू द कंज्यूमर ऑल्सो राइट एंड देन इट विल बी सर्विंग योर ऑल एंड टू एंड थिंग्स. उसमें हमने जो कंसीव किया है कि जो हमारा सीएफबी वर्कर या वॉलंटियर होगा उसको 48,000 रुपीज की परचेजिंग पावर पर मंथ हमें उसे देना है. हालांकि देर इज नथिंग लाइक सैलरी, एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय वट एवर यू विल बी डूइंग. सो द मोमेंट यू कंप्लीट योर टास्क योर रेवेन्यू स्ट्रीम विल कम इन योर अकाउंट. बट वी इंटेंड टू प्रोवाइड मिनिमम 48,000 वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर टू अवर वर्कर सीएफबी वर्कर. एंड इमेजिन ए सिचुएशन की एक घर में चार यदि सीएफबी वर्कर हैं तो उसकी पर मंथ जो है ना इनकम वुड बी समवेयर अराउंड 2 लाख रुपीज वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर. शायद रिटायरमेंट के बाद हमको भी इतना पैसा नहीं मिल रहा है. राइट एंड देन एट द टॉप ऑफ इट द सीएफबी इज कंसिडरिंग कि हम उसके हिसाब की हाउसिंग उसको प्रोवाइड करें, ग्रीन हाउसिंग प्रोवाइड करें, उसके ऊपर जो है ना सोलर पैनल लगाएं. सो आवर एनर्जी विल नॉट बी कॉस्टिंग इन फ्यूचर. हम जो है ना इतने एग्रो से वी विल बी क्रिएटिंग ईथेन मीथेन एंड एथानॉल एंड ऑल दोज काइंड ऑफ द थिंग्स. सो एनर्जी रिलेटेड इम्प्लीकेशन फॉर द कंट्री विल बी रिड्यूस्ड जीरो. हमें कोई पेट्रोलियम जो है ना प्रोडक्ट जो है इम्पोर्ट नहीं करना होगा बल्कि वी विल बी नेट एक्सपोर्टर ऑफ द एनर्जी. इस तरीके के बहुत होलिस्टिक सॉल्यूशन की जरूरत है एंड विच इज नॉट पॉसिबल थ्रू ब्यूरोक्रेसी. नौकरी करने वाला जो है ना वो अपने पॉलिटिकल आकाओं की इच्छा पूर्ति में ही लगा रहता है. अब तो उसे आम जनता के लिए कोई समय भी नहीं है. आई मीन सॉरी टू से दो वी बिलोंग फ्रॉम द सेम कैटेगरी. इस बात से आप सहमत है कि नहीं है? तो सिन्हा साहब थोड़ा सा सोचिए. आप मेरे ख्याल से नाउ आफ्टर रिटायरमेंट सिंस यू आर अवेलेबल इन भोपाल इन व्हाट वे यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट एंड वंस यू मेक अप योर माइंड वी कैन हैव ए डिस्कशन ऑन इट. बिल्कुल है ना, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि दूसरों से अपेक्षा करने की बजाय हम करके दिखाएं तब हमारी कोई स्ट्रेंथ है. और जब आप यदि रेडी हो इसमें तो हम आपसे जो है वीडियो बेस्ड बात करना चाहेंगे जिससे ये व्यूज जो है वी विल बी इन पोजीशन टू पुश इट टू द क्राइम फ्री भारत. सो दैट ये जो एनर्जी का हम लोगों के आपस में वार्तालाप जो एनर्जी है लेट द पीपल शुड बी बेनिफिटेड विद दिस डायलॉग्स. लेट इट नॉट बी ए पर्सनल डायलॉग बिटवीन मी एंड मिस्टर अरविंद सिन्हा. है ना, तो आप मुझे एक अपनी ईमेल आईडी शेयर कर लीजिए तो मैं उसे सेव कर लूंगा. और यू टेक ऑलमोस्ट ए वीक फॉर योर प्रिपरेशन एंड वेन एवर यू आर रेडी वी विल हैव दैट ए प्रॉपर वीडियो बेस्ड कम्युनिकेशन विच इन टर्न वुड बी लोडेड ऑन क्राइम फ्री भारत इफ यू आर कंफर्टेबल. राइट अरविंद जी, थैंक यू. नमस्कार. नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. मुझे लगा कि देखिए मैं अपने रडार पे देख रहा था कि कौन कौन ऐसे पॉजिटिव लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, तो मुझे लगा कि यू आर वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट पर्सन हु कुड बी पार्ट ऑफ माय टीम. राइट, थैंक यू रिगार्ड्स.